मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबाएं। ऑल बटन को दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, माय सेल्फ मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूँ वर्किंग ऑफ ब्लैकमेल टीवी पार्ट 3। ये आपका आपको आज बता रहा हूँ कि ये आपके पावर सप्लाई के बारे में, ये पहले पावर सप्लाई है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कि आपका ये कार्ड जो आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये आपकी ESC बन रही है, ठीक है जी। यस सर। सर जी, ESC बन रही है इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि भी आपकी पावर सप्लाई, ये आपका हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर, हॉरिजॉन्टल ड्राइवर, हॉरिजॉन्टल आउटपुट, ये सब ओके है, तभी ये जो आपकी 11 वोल्ट ESC बन रही है। यस सर। ठीक है, तो आज मैंने आपको मेन चीज ये बतानी है कि भी पहले मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब आज को आपको बताना है कि वोल्टेज हम कैसे पढ़ते हैं, रीड करते हैं। आप सवाल कोई पूछना चाहो तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मीटर है, मीटर से हम वोल्टेज, पहले हमारा इस ट्रांसफर, ये आपकी ब्रिजवे बना हुआ है, तो ये 18 वोल्ट सप्लाई निकाल रहा है, तो ये 18 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे पहले इसके ट्रांसफर में हम नापेंगे। तो ये आपका पहले आपका ये कलेक्टर है ये वाला, ये इसका मीटर है, ये बेस है, ठीक है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है। तो आउटपुट ट्रांजिस्टर में पहले वोल्टेज नापेंगे। ये इसका कलेक्टर है, कलेक्टर पे आ रही है 18, ठीक है, ये इसका कलेक्टर है ये वाला, ठीक है जी, ये कलेक्टर है, ये इसका बेस है, ये बेस पे बाजू आप, ठीक है जी, बेस पे आ गई। ये इसकी मीटर पे आउटपुट जो आ रही है ये वाली, ये आउटपुट है, ठीक है जी। जी सर। 11.96 आ रही है, यानी कि 12 से थोड़ी सी कम आ रही है, ठीक है। और ये इसका फिर ट्रांसफर आपका, ये दो ट्रांसफर और लगे हुए हैं 558, ये 558 है, ये मीटर है इसका जो है वो, ये मीटर है, ठीक है जी। जी सर। और ये आपका, ये आपका बेस है और ये आपका कलेक्टर है। जी सर। ठीक है जी। उसके बाद ये फिर आपका 2648 ट्रांसफर, ठीक है, इसका मीटर ग्राउंड है, ये जैसे यहाँ पे मीटर ग्राउंड दिखाया हुआ है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड में तो चलेगा ही नहीं, ये इसका बेस है, ये इसका बेस ये वाला, ये बेस। जी सर। और ये आपका कलेक्टर, ठीक है। तो ये सब अलग अलग वोल्टेज आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। तो आपकी जो पावर सप्लाई है, ये आउटपुट जो आ रही है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये वाली रेजिस्टेंस जी सर, 15 ओम, 7 वाट। पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, जिसको सर्किट रीड करना ऐसे आ जाएगा बगैर उधर से देखे, तो वही कामयाब हो सकता है हमारी लाइन में। यहाँ से यहाँ पे ये आउटपुट आ रही है, ये आउटपुट आगे जाएगी, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ऐसे है इसका, ये ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये पावर सप्लाई है, ये ब्रिज भी बना हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर है, ठीक है, जो 18 वोल्ट निकाल रहा है यहाँ पे। जी सर। ठीक है। और ये अगले अलग स्टेज हैं, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ आपको, ठीक है जी। यस सर। तो अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर, जैसे हमारा ये 148 है, अगर ये खराब हो जाए तो क्या होगा सर? हाँ, तो वो अगर ये खराब हो जाएगा तो यहाँ पे जो आउटपुट पे वोल्टेज है, तो आपकी रेजिस्टेंस ये एकदम गर्म होने लग जाएगी, हीटअप होने लग जाएगी बहुत ज्यादा, ये वाली, ठीक है। और आपका जो आउटपुट है वोल्टेज है, वो आपकी 18 वोल्ट की जगह या जितनी अभी इस टाइम आ रही है, ये आपको 6 वोल्ट आने लग जाएगी। ये आपकी मीटर है ना, ये आउटपुट आ रही है, ये जा रही है आपकी आउटपुट यहाँ पे। जी सर। ये 18.22 आ रही है ना, ये आपके यहाँ पे 6 आने लग जाएगी, ठीक है, कम आने लग जाएगी वोल्टेज। एक भी अगर तीनों में से कोई भी ट्रांजिस्टर डिफेक्टिव हो जाए, चाहे ओपन हो जाए शॉर्ट हो, किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय हो सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और कोई पावर सप्लाई में आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर, जनरेटर का क्या काम होता है सर? ये जनरेटर जो है ये 8.2 वोल्ट का है, 8V2, तो ये आपका प्रीसेट पे जा रहा है सेंटर पॉइंट पे। तो इसमें क्या क्या, अगर वोल्टेज आपकी कम हो जाती है, एडजस्टमेंट आपने करनी है, तो ये एडजस्टमेंट करने के काम आता है। इसमें हम ज्यादा वैल्यू को भी नहीं लगा सकते, कम वैल्यू को भी नहीं लगा सकते। जी सर। तो ये आपके यहाँ पे 12 वोल्ट रेगुलेटर सप्लाई तैयार हुआ है, ठीक है।
ये इसका इस करके जनरेटर डीए लगाया जाता है। जी सर। हाँ जी, ये हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर है ये वाला ट्रांजिस्टर, तो ये हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर है ये इसकी एच होल कॉयल है ये वाली जो है हॉरिजॉन्टल कॉयल। इससे क्या है कि भी आपकी जो वोल्टेज है 11,000 वोल्ट हम कम ज़्यादा करते हैं इसकी, और इसकी फ्रिक्वेंसी अगर आउट हो जाए, अगर 15,625 की फ्रिक्वेंसी ना बने तभी ये लगाया जाता है ये वाली, इसको हम कम ज़्यादा करते हैं ये इस तरह की है ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल होल्ड है। यस सर, ठीक ठीक है जी। तो है सर। अब ये इसकी अगर आप वोल्टेज नापना चाहते हैं तो वोल्टेज आपके मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये आपका ये ओरिएंटल ऑसिलेटर है, तो ये इसका बेस है ठीक है जी, ये इसका मीटर है, ये इसका कलेक्टर है, कलेक्टर पर सबसे ज़्यादा वोल्टेज आ रही है ठीक है, और यहीं से ये आपकी ये ओरिएंटल ऑसिलेटर को जा रही है। इसके 3 पॉइंट हैं बस, ये वाले 3 पॉइंट, 1 2 3, ये जो 2 पॉइंट हैं ये एनसी हैं, ये इसके साथ यूज नहीं हो रहे, यस सर। सिर्फ सपोर्ट के लिए हैं ठीक है, और इधर से ही आपके मीटर से इसको ड्राइवर को जा रही है, इसके ये आपका ये बेस है और ये ट्रांजिस्टर के मीटर से ये फ्रिक्वेंसी इसके ड्राइवर को जा रही है, यहाँ से मीटर से यहाँ से होती हुई ये यहाँ से आपके रिस्टेंस के द्वारा, ये इसमें तो कहीं में रिस्टेंस लगी हुई, ये यहाँ से यहाँ सीधा आ गया, ये यहाँ से जम्पर लगा हुआ। ये जम्पर लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आपके बेस पे आ गई है ठीक यस सर। है, ये वाली वोल्टेज ये ड्राइवर पे, ये ड्राइवर पे आ गई है ठीक यस सर। है, ये इसकी पल्स है, ये इसके कलेक्टर पे फुल वोल्टेज आएगी 11.17 ठीक है, अब मीटर इसका ग्राउंड है, ये इसका मीटर ग्राउंड है ठीक है जी, जी सर। और इसके बाद फिर ये फिर आगे आ गया ड्राइवर ट्रांसफार्मर पे, इसके कलेक्टर के द्वारा सप्लाई, इसके कलेक्टर के द्वारा सप्लाई इसको दी जा रही है ड्राइवर ट्रांसफार्मर को, यहाँ से सप्लाई यहाँ पे आ रही है ठीक है जी, जी सर। ये यहाँ से यहाँ आ रही है ठीक है, जी सर। और ये यहाँ पे आपकी ड्राइव निकल रही है यहाँ पे ये ठीक है, ये ड्राइव आपकी यहाँ से यहाँ आ रही है, ये जो ड्राइव है इसको ड्राइव बोलते हैं, ये जो ये एक अर्थ है ठीक है जी, ये 2.2 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये आपके 13 कुंजा के ट्रांजिस्टर के बेस को जा रही है ड्राइव, यहाँ से होती हुई ये यहाँ पे यहाँ से इसके बेस पे जा रही है, ये देखो ये इसके ड्राइव है ठीक है, इसको ड्राइव ड्राइव बोलते हैं, जैसे इसके कलेक्टर को सप्लाई वे नाप लो आप कितनी आ रही है, ये 18.11 आ रही है ठीक है जी, ये इसका एक ग्राउंड है ठीक है, तो ये ट्रांसफर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये यहाँ से ड्राइवर है, ड्राइवर के बाद ये आपका आउटपुट है, आउटपुट के बाद आपकी ईएसटीपी वोल्टेज आपको ना आपको दिखा देते हैं, ईएसटीपी यहाँ पे वोल्टेज ये आ रही है आपकी 1 18.12 यहाँ पे आ रही है, 15 पॉइंट उतनी ही आ रही है, 18.10 यहाँ पे भी उतनी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है 18.27 28 ठीक है, ये एस टी है, इस टाइम एस टी बन रही है आपकी ठीक है जी, तो मैंने आपको आज आपको मैंने मुख्य चीज ये भी होती है हमारी पावर सप्लाई और हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर, हॉरिजॉन्टल ड्राइवर, हॉरिजॉन्टल आउटपुट, यानी हॉरिजॉन्टल स्टेज मेन ये हमारी है यस सर। ठीक है, इसके बाद जो अगला जो है आपको अगला जो इसमें आपको मैं अभी बताता हूँ आपको कि भी आपने इसमें कोई सवाल पूछना है, यस सर, अगर हमारी एसटी ना बने तो क्या होगा सर? ईएसटी ना बने तो उसमें बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर आपका ये डिफेक्टिव हो जाए ये वाला ट्रांजिस्टर, यानी कि ये वाला ठीक है ये यस सर। वाला, तब भी आपकी ईएसटी नहीं बनेगी, अगर आपकी ये ट्रांजिस्टर ठीक है ड्राइव आ रही है, ये ट्रांजिस्टर डिफेक्टिव है तब भी ये ईएसटी नहीं बनेगी ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल ड्राइवर है, अगर आपका ड्राइवर ट्रांसफार्मर ओपन है या ये 2.2 ओम की रेजिस्टेंस ओपन है तब भी आपकी ईएसटी नहीं बनेगी, उसके बाद फिर आपका जो ये 31 कुंजा जो ट्रांजिस्टर है अगर ये आपका डिफेक्टिव हो तब भी नहीं बनेगी, अगर इसकी ड्राइव यहाँ पे यहाँ तक ना जाए
ठीक है, अगर जा रही है ट्रांसफर शॉर्ट है तब भी आपका ईएसटी नहीं बनेगी। तो सर ईएसटी नहीं बनेगी तो सीआरटी पे क्या फर्क पड़ेगा सर? सीआरटी पे ही फर्क पड़ेगा कि आपके यहाँ पे जो 11,000 वोल्ट जो आपकी बन रही है सप्लाई, वो आपकी बनेगी नहीं फाइनल नोड में जो जा रही है, ये जो आपकी ईएसटी पे आपकी पिक्चर ट्यूब पे लगती है। यस सर, ठीक है जी, यस तो सर, इसके बाद मैं फिर आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पहले आप इतना आपने देख लिया। मैं सबको देखने वालों को रिक्वेस्ट करूंगा कि भी ये वीडियो को आप बार बार देखें, क्योंकि अगर एक ही बारी में सारा कुछ बता दिया तो आपको समझ नहीं आएगा। तो अभी अगर किसी का कोई सवाल है तो कमेंट आप डाल दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। पर यस सर, आपको फिर भी आप मेरे को 24 आवर्स का टाइम देना, ठीक यस है सर, जी। तो ये आपको मैंने इतना बता दिया, आपको पावर सप्लाई का और जनरेटर सेक्शन का ये मेन होता है, ठीक है। तो ब्लैक वन टीवी अगर आपको करना ठीक करना आ गया तो इसी मेन चीज में, अगर हमारी उसमें एसएमपीएस पावर सप्लाई होगी बस कलर टीवी में ही फर्क होगा, पर सिस्टम है इसका यही होगा, उसमें बेसिक फंड जो भी चीज यही रहती है, ठीक है। आपको यस वोल्टेज नापनी यहाँ से इधर आपको नापनी अगर आ गई बैक साइड से, तब यस आप सर, इसको आप रिपेयर कर सकते हैं, यस सर, ठीक है जी। ठीक है सर, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।